9 दिनों बाद बहुत बड़ी खुशी आई है घर में, सब सेलिब्रेट करें, करवा चौथ क्या करना चाहेंगे? हाँ, आज पूरा परिवार साथ में मिलके भारद्वाज परिवार हम सब सेलिब्रेट कर रहे हैं करवा चौथ, और सब औरतों ने अपने हस्बैंड्स के लिए व्रत रखे हैं, एंड हम लोगों ने भी किसी किसी ने, सब ने शायद रखे हैं पता नहीं, पर मैंने ज़रूर रखा है अपनी रोशनी के लिए। तो आई थिंक एक तरीका होता है, एक रिस्पेक्ट होता है जो वो हमारे लिए कर रही है, हम उनके लिए कर रहे हैं, एंड इट्स अ लॉट ऑफ फन बिकॉज बहुत टाइम के, बहुत दुखों के बाद फाइनली भारद्वाज परिवार में खुशियाँ आई हैं माता रानी के आने के बाद। आई थिंक एक बहुत अच्छा एक पर्व जैसा माहौल हो गया, एक प्रॉपर त्यौहार जैसा माहौल हो गया, जो बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत इन्जॉय कर रहे हैं सब। यहाँ पर एक चीज़ और भी देखी जा रही है ना, सीमा पर नज़र रखनी पड़ी कि ये प्रेम के हाथों से पानी पिएगी, हाँ क्या था वो मुझे नहीं पता, वो परी को पता है, वो भैरवी जी को शायद पता होना चाहिए, पर आई थिंक उनको कहीं ना कहीं ये शक है कि सिमर जो है वो अब माता रानी है या कोई और है, कोई भैरूपी आ गया है उनकी जगह पे, एंड वो इसीलिए प्रेम को आसपास नहीं आने दे रहा, और वो ये देखना चाहती हैं कि क्या वो व्रत खोलेंगी उनके हाथों से, क्योंकि अगर वो कोई और होगी तो नहीं करेगी ऐसा, एंड आई थिंक उनकी जो जितना भी उनका शक था वो सब आई थिंक नाजायज़ था, बिकॉज माँ ने पूरी तरीके से पापा के साथ यू नो ये रस्म निभाई है, एंड उन्होंने पानी भी पिया प्रेम के हाथों से और खाया भी मीठा, तो आई थिंक अब उनका शक गलत साबित हो गया। लेट्स सी अब आगे वो क्या सोचते हैं, क्योंकि भैरवी और परी का तो काम ही है कुछ नए नए शक करना और नई नई चीज़ें सोचना, तो लेट्स सी आगे क्या करती हूँ।